एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब अनुपमा बैंड बजाने वाली है आरुष की। आपको बता दें कि अपनी बेटी पाखी के लिए अनुपमा आरुष की ऐसी तैसी करेगी, उसको पुलिस के हवाले करेगी। लेकिन उससे पहले यहां पर जो पाखी है वो अपनी माँ से माफी मांगने वाली है और कहने वाली है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो कर्म करे हैं वो बड़े ही खराब थे। चलिए, क्या कुछ होने वाला है आपको बताते हैं, पर उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सीरियल अनुपमा में अब जो अनुपमा है वो पहुंचेगी अपनी बेटी के पास, पाखी के पास, उस होटल में जहां पर आरुष उसे अपने पास कैद कर रख रहा है। वो उसके साथ गलत हरकत करना चाहता है और उसके लिए पाखी तैयार नहीं है, जबरदस्ती कर रहा है वो पाखी के साथ। ऐसे में अनुज और अनुपमा दोनों रास्ते में निकल चुके हैं। अब यहाँ पर होगा ये कि ट्रैफिक पुलिस वाला अनुज की गाड़ी को रोक लेगा और ऐसे में अनुज बाहर निकलेगा गाड़ी से और जो अनुज के फोन पे फोन आएगा, अनुज का फोन गाड़ी में होगा और वो म्यूजिक सिस्टम से अटैच होगा। जैसे ही फोन आएगा उस पर नाम लिखा हुआ आएगा, श्रुति कॉलिंग, और अनुपमा उस फोन को काटना चाह रही होगी लेकिन गलती से उससे फोन ऑन हो जाएगा, वो उठा लेगी। श्रुति हेलो हेलो बोलेगी और अनुपमा ये बोल देगी कि अनुज अभी यहाँ नहीं है, वो आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ आपको कॉल करें। अनुपमा की आवाज सुनकर श्रुति हैरान रह जाएगी कि अनुपमा इसके साथ क्या कर रही है और इसकी हिम्मत कैसे हुई अनुज का फोन उठाने की। ये बात श्रुति जाकर आद्या को बताएगी और वहां पर एक नए तरह का बवाल जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि जो दूसरा एंगल शो में चल रहा होगा वो चल रहा होगा पाखी का। अब अनुज अंदर आएगा और फटाफट अनु से कहेगा कि अनु हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए पाखी के पास। दोनों पाखी के पास पहुंचेंगे और यहाँ पर अनुपमा जो है वो आरुष की ऐसी तैसी करेगी और वो ये कहेगी कि तुझे लगा कि इसका पूरा घर इसके खिलाफ है, मैं इसकी माँ हूं और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर गलत नजर डालने की। इसको हमने कहा था कि तू एक नंबर का घिनौना आदमी है लेकिन इसने हमारी नहीं सुनी और हमारी नजर शुरू से तुझ पर थी और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे को इंडिया की पुलिस ढूंढ रही है ना, अब तेरे को यहाँ पर अमेरिकन पुलिस के हवाले मैं करूंगी। और याद रखियो, इंडिया की पुलिस में तो एक बार फिर भी तू बच सकता है लेकिन यहाँ की पुलिस से तू नहीं बच पाएगा। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जिसके बाद पाखी जो है वो अपनी माँ अनुपमा से माफी मांगने वाली है कि मुझे माफ कर दीजिए कि आज तक मैं आपको गलत समझती रही पर आप ऐसी नहीं थी। अब पाखी जो है वो बदल जाएगी, तो मतलब अनुपमा की एक बेटी तो बदल जाएगी, पाखी सही हो जाएगी, पर आद्या अभी भी वैसी की वैसी रहेगी और आद्या और दुश्मन बन जाएगी क्योंकि उसको श्रुति जो है वो भड़काएगी। कितने एक्साइटेड हैं आप इस ट्विस्ट एंड टर्न को देखने के लिए, कमेंट्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना।